गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू दी ओटीएस अड्डा चैनल तो फटाफट से मैं आपको करंट अफेयर्स जो है ना वो आज के करा दे रही हूँ तो बाकी सारे बच्चे एक बार ज्वाइन कर जाइए और क्वेश्चन को सीधा शुरू करते हैं ठीक है थीके? आपकी ये वाली क्लास आपकी मैथ्स के साथ और जैसे मैंने आपको कल भी बताया आपकी क्लासेस को ना डिवाइड कर देंगे डिवाइड करने का मतलब है कि करंट अफेयर्स का सेक्शन अलग से और जीके का अलग से तो आपको इसके लिए मुझे एक दो दिन का टाइम देना पड़ेगा मतलब एक दो दिन का तो क्या ही कल से इसको करने की कोशिश करते हैं ठीक है आ, ये वाला मतलब कल से आपका स्टार्टिंग जीके वाला जो पोर्शन है वो अलग से आ जाएगा और करंट अफेयर्स वाला जो सेक्शन है वो ऐसे ही रहेगा उसके अलावा एक छोटा वीडियो वगैरह वो सब देखते हैं कल एक बार इस शेड्यूल को मेंटेन करते हैं आपकी जो ऐप है ना उसके ऊपर ही आपकी अब आप से पी भी जाएगी तो आपको कल कई बच्चों को ये प्रॉब्लम हुआ कि पी जो है ना वो हमको टेलीग्राम पे दे दो तो टेलीग्राम पे पी थोड़ी सी अनसेफ हो जाती है बहुत ज़्यादा जगह घूम के आती है और आप लोग ये बोलते ही होगी कॉम्पिटिशन बढ़ाना नहीं है कम करना है उसके लिए आपको ना थोड़ा सा इजी ऐप पे रह के पी ले लेना बहुत हैवी ऐप नहीं है बहुत ही इजी ऐप है तो ऐसा नहीं सोचना कि आपको बहुत हैवी ऐप जो है ना वो आपको दे दिया है दे रहे हैं आपका डाटा खत्म होगा नहीं बहुत ज़्यादा डाटा आपका ख़त्म नहीं होगा चीज़ों को लेके सिंपल सा ऐप है तो आप आराम से ना आपकी जो पी है ना वो यहीं पर अपडेट हो जाएगी पूरी की पूरी तो आप पी जो है ना वो यहीं से ले लेना ठीक है ये पूरा पार्ट उसके अलावा आपके जो एन ग्रुप डी के और सी के क्वेश्चन हैं वो सारे अपडेट हो गए आज मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी ना इसलिए थोड़ा थोड़ा बोल के आपको ये फटाफट से करा दे रही हूँ पहला क्वेश्चन बताए फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के क्लास बी निदेशक के रूप में निदेशक मंडल के लिए किसे चुना गया है बताइए कितना टाइम कर दे साढ़े अच्छा साढ़े कर दे करंट अफेयर्स का टाइम फिर तो क्लास ले ली साढ़े पाँच करंट अफेयर का क्लास लेके क्लास ही ऐप डाउनलोड हो जाएगा देखो ये क्लासेस वगैरह सारी अपडेट आपकी एज इट इज जैसे हमेशा रहती हैं हो जाएगी मैंने आपको एक दो क्लासेस में भी बोला है थोड़ा सा मेरे दोनों तरफ टीथ कैविटी का इशू है कल भी वही था कि बहुत ज़्यादा अब कल मैं ये आती ना तो मेरा ये वाला पूरा पार्ट ऐसे सूझा हुआ था तो दिक्कत हो जाती बोलने के लिए और ज़्यादा बोल के कैविटी ख़राब हो जाती मेरी डाउनलोड होगा डाउन साइंस का साइंस का टेस्ट मैं आज से कर लूंगी ठीक है साइंस आज आपका है शाम का छः बजे वाला सेक्शन जो है ना साइंस वाला जो टेस्ट है वो आज कर रहे हैं ठीक है ठीके? कोई टेंशन नहीं लो आराम से पहले आंसर कर दो यहाँ पे और टाइम से ब्रश व्रश कर लिया करो मतलब वैसे तो ब्रश का प्रॉब्लम कम है मेरा ब्रश तो करा ही था अपना ना कैल्शियम अपडेट रख लो ठीक है कैल्शियम और विटामिन डी अपना अपडेट रख लो नहीं तो ये कैविटी वैविटी कसम से बहुत तेज दर्द होता है ये टूथ कैविटी फिल कराने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है दो दो एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगते हैं फिर उसके बाद जो है ना अल्टीमेट दर्द होता है अल्टीमेट है ना चलो हु हैज बीन इलेक्टेड एज दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज क्लास बी डायरेक्टर ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये इंडियन आपके यहाँ इंडियन से रिलेटेड ये अरविंद कृष्णा जी करके याद रख दी अरविंद कृष्णा जी इससे पहले आई के चेयरमैन और जो आपकी सीईओ आईबीएम के चेयरमैन और सीईओ बन के यहाँ पे रह चुके हैं तो अरविंद कृष्णा की यहाँ पे अरे ये नाम क्यों नहीं चेंज हुआ ठीक है नंद मूल चांदानी नहीं यहाँ पे अरविंद कृष्णा जी आएगा ठीक है अरविंद कृष्णा जी जो है वो अभी फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ रिजर्व न्यूयॉर्क के लिए यहाँ पे इनको चुना गया है क्लास बी डायरेक्टर याद रखिए क्लास बी डायरेक्टर के नाम से इनको जाना जाता है उसके अलावा आईआईटी कानपुर से ये पढ़े हैं तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं बहुत ही आराम से आईआईटी कानपुर से ना इन आ, इनका एजुकेशन है और साथ में आप याद रख लीजिए अब जब आपसे ये फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के ऊपर क्वेश्चन है तो आपको न्यूयॉर्क फेडरल बैंक ऑफ रिजर्व फेडरल बैंक ऑफ रिजर्व न्यूयॉर्क के बारे में आपको जानना पड़ेगा प्रेजिडेंट जॉन सी विलियम करके याद रखिए उसके अलावा सीईओ भी आपके जॉन सी विलियम है इसका फाउंडेशन काफी पुराना है 1914 में हेड में हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में ही है एज आपका नाम से आपको पता लग रहा है ठीक है चलिए इन विच स्टेट रेल टेल है सेटअप हेल्थ क्लाउड इन कोलेबरेशन विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है किस राज्य में किस राज्य में रेल टेल ने डब्ल्यू के सहयोग से एक स्वास्थ्य बादल स्थापित किया क्लाउड जिसे कहते हैं ना ये हाँ हिंदी वाला ऑप्शन हाँ सेम ही है जनरली यही होता है एक दिन जाके ना अरे यहाँ बहुत लफड़े होते हैं दांत वाँत के चक्कर में पहले आप जाओ एक दांत की कैविटी फिल कराओ फिर आप दोबारा जाओ उसकी सेकेंड कैविटी फिल होगी फिर आप तीसरी बार जाओगे उसका फाइनल कैविटी फिल होगा उसके बाद आप चौथी बार जाओगे तो आपकी कैपिंग लगेगी है ना तो ये वाला सिचुएशन है मेरे दोनों दोनों दांत हैं मतलब मेरे दो दो दांत हैं जिनमें कैविटी फिल होनी है उसके बाद उसके छ छः बार उन दो दांत के लिए जाना है फिर कैपिंग के लिए जाना है दूसरा तो ऐसे लगा भाई इसे उखड़वा दो इतना ज़्यादा टेंशन की जगह ना इसको उखड़वा दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा नहीं चलो अब आप पड़ा -पड़ा आंसर कर लो ऐसे होता ही है आपके बॉडी में ये प्रॉब्लम्स होते हैं ना तो दे क्रिएट द प्रॉब्लम्स ठीक है चलो इन विच स्टेट रेल टेल सेटअप हेल्थ क्लाउड इन कोलैबोरेशन विद डब्लू एच ओ तो कौन से राज्य की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे आंध्र प्रदेश भाई हिमाचल प्रदेश नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर का क्या सोच के आंसर हिमाचल प्रदेश दिया जा रहा है इतना ज्यादा हिमाचल प्रदेश नहीं है ठीक है हिमाचल प्रदेश नहीं करना है आपको यहाँ पे आंध्र प्रदेश करके याद रखिए रेल टेल जो है वो डब्लू एच ओ के साथ मिलके आंध्र प्रदेश मेडिकल टे, टेक जोन पूरा नाम क्या है आंध्र प्रदेश मेडिकल टेक जोन करके पूरा याद रखिए यहाँ पे हेल्थ क्लाउड लुइस एंगर सेप के द्वारा यहाँ पे इनोग्रेट भी किया गया है जो डब्ल्यू एच ओ के इनोवेशन हेल्थ हब इनोवेशन हब के मिनिस्टर हैं यहाँ पे हेल्थ क्लाउड पटना में शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में जिसको आंध्र प्रदेश मेड टेक जोन, के नाम से जाना जा रहा है ठीक है तो ये पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका विच स्टेट नेथन्ना बीमा नैथन्ना बीमा की जो कवरेज है उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है किस राज्य के द्वारा ये क्या है सारे आंसर्स तेलंगाना बताइए तमिलनाडु तेलंगाना आंध्र प्रदेश या केरला नेथन्ना बीमा जो है वो कहाँ की है और किस राज्य ने इसको एक्सटेंड कर दिया देखिए ये वीवर्स इंश्योरेंस स्कीम था पांच लाख रुपए की इंश्योरेंस जो है वो उनको दी गई थी जो कि बुनकर लोग होते हैं बुनकर आपको जैसे स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है बुनकर बीमा के नाम से इनको जाना इसको स्कीम को जाना जाता है जहाँ पे फाइव लाख रुपीज पाँच लाख रुपीज जो है वो आपके दिए जाएंगे ठीक है और ये आपके ऐसा नहीं है कि पाँच लाख रुपए सीधा का सीधा दे दिए जाएंगे पाँच लाख रुपए जो दिए जाते हैं वो पार्ट्स में दिए जाते हैं इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं कि फाइव लाख रुपीज़ आपको मिल रहे हैं बट इन इंस्टॉलमेंट दूसरी चीज़ यहाँ पे एज डिफाइन होती है कि एटीन ईयर से लेके फिफ्टी नाइन ईयर्स तक के एज के लोगों को ये बीमा या धनराशि जो है वो दी जाती है इसमें आप तेलंगाना करके याद रखोगे तेलंगाना तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर कौन है जरा बता दीजिए एक बार समझ गए नैतन्ना भीमा किससे रिलेटेड है वीवर्स इंश्योरेंस स्कीम से रिलेटेड है यहाँ पे इसको बीमा इंश्योरेंस स्कीम को ही एक्सटेंड करके किया गया था लेकिन ये नेत, ये नैतना बीमा के लिए ही था ठीक है बुनकर स्कीम करके इसको बोला जाता है तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना भारत का सबसे नया राज्य है है ना फाउंडेशन की आपसे बात किया जाए तो दो में ये बना था तो फाउंडेड इन टू फाउंडेड ऑन टू जून दो अगले महीने दो जून आने भी है, तो तेलंगाना का फाउंडेशन डे जो है वो आपका दो जून को ऑब्जर्व या सेलिब्रेट गई राजन है ना उसके बाद कैपिटल हैदराबाद और के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भारत के साउथ वाले पार्ट में ईस्टर्न हाफ में लोकेटेड है ठीक है और इसकी जो कैपिटल है वो आपकी हैदराबाद समवेयर ट्राइंगल शेप का तेलंगाना जो है ना ट्राइंगल शेप का स्ट्रक्चर या ट्राइंगल शेप का जो अपना सिटी है उसको फॉर्म करता है तेलंगाना करके याद रखिए ठीक है ओलंपियन कमल अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जो अभी आपकी हाल ही फिलहाल जो है ना वो आ रही है तो ये बताइए ओलंपियन कमलप्रीत कौर हैज बीन प्रोवेजनली सस्पेंडेड बाय एथलेटिक्स इंटेग्रिटी यूनिट She is associated with which sports? देखिए ओलंपियंस को या किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को सस्पेंड दो ही कंडीशन में ज्यादातर किया जाता है ज्यादातर एक जो मेन है वो अगर उन्होंने किसी भी तरीके का जो बैन uh, ड्रग है उसको लिया हो ठीक है या अपने सबोर्डिनेट्स के साथ या भरे मैदान में फील्ड पे कुछ जो है वो मिसबिहेव किया हो अपने प्लेयर्स के साथ अंपायर के साथ कोचेस के साथ या कोई भी किसी के भी साथ है ना मिसबिहेव इन्हीं दो कंडीशन पे किया जाता है सो so, पहला जो कंडीशन है वो इनके लिए लागू होता है कमलप्रीत कौर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आई थी और आ, अभी बोला जा रहा है ओलंपिक्स को डिस्कस ये थ्रो जो बोलते हैं ना आपका तो ये डिस्कस थ्रो से रिलेटेड है पहली बात है ना याद रखिए कि इन्होंने बैन ड्रग जो है ना उसको कंज्यूम किया तो ये थोड़ा सा ना ड्रग्स के केस में क्या कहा जाता है भाई ड्रग्स के केस में थोड़ा सा फंस गई हैं यहाँ पे तो ये याद रखिएगा ये अगेन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 63.7 का टोक्यो ओलंपिक्स फाइनल में इनके द्वारा जो स्टैनोज ये कहा जाता है कि अभी सब्सटेंस का थोड़ा सा याद रखिएगा इस सब्सटेंस को थोड़ा सा डिटेल में ना मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी जो इनके बॉडी में मिला है वो है स्टेनोजो स्टेनोजोलोल ये बी कैटेगरी ड्रग्स में आता है बी कैटेगरी ड्रग्स मतलब जो आपके बॉडी में नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है नर्वस सिस्टम को एक्टिव आपको पता है ना ड्रग्स जो क्या काम करते हैं अच्छा वाई दी ड्रग्स आर बैंड तो ड्रग्स का आप पहले मतलब समझो जो भी आपके ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनको ड्रग्स ही बोलते हैं जैसे आप अगर अभी दवाई लेने जा रहे हो फीवर की और ये सारी तो दे आर ड्रग्स ओनली लेकिन कुछ कैटेगरीज हैं जिनको आपने बैन कर दिया है स्पेशली फॉर स्पोर्ट पर्सन क्यों क्योंकि ड्रग्स ऐसे होते हैं कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जैसे यही वाला ड्रग है ये क्या करते हैं आपके बॉडी में जाके ना आपको जो पेन की फीलिंग है ना वो खत्म कर देते हैं जब ये दवाई खाया उसके बाद कुछ कुछ तो इतने इफेक्टिव ड्रग्स होते हैं कि कहा जाता है कि उसके बाद आप ऑर्गन भी काटोगे ना तो बॉडी को पता भी नहीं चलेगा कि बॉडी में कुछ हो रहा है राइट right. या आपका एनर्जी लेवल इतना ज्यादा बढ़ा देंगे कि पेन की फीलिंग ही नहीं होगी और एनर्जी लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप कुछ से कुछ एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर सकते हो तो ये ड्रग बी ड्रग्स में आता है क्लास बी ड्रग्स में और इसको सरकार के द्वारा ऑलरेडी बैन किया हुआ है या स्पोर्ट्स अथॉरिटी के द्वारा बैन किया गया है तो वो उनके ब्लड सैंपल में मिला है तो थोड़ा सा याद रखिएगा ये आपका बैन जॉनसन जो थे ना सियोल ओलंपिक्स में ये ऐसा इस ड्रग्स के साथ दूसरा पर्सन है जो पकड़ा गया है उससे पहले बेन जॉनसन जो है वो सियोल ओलंपिक्स में उस ड्रग्स को लेते हुए पकड़े गए थे इनटू टू दी रूम जो स्पोर्ट्स uh, रूम होता है वहां पे है ना चलिए धनुष श्रीकांत हैज वन गोल्ड इन इन डी डी एट कैक्सियास ब्राजील के अंदर हो रहे हैं ये आपके मैप ये सारे के सारे डी फोलम्पिक करके मतलब कान से है ना ही इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स बताइए धनुष श्रीकांत जो है ना ये कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है बस ये बता दीजिए इसमें दो नाम आपको याद रखना है धनुष श्रीकांत दूसरा आपके शौर्य सैनी सौर्य सैनी के साथ सौर्य सैनी के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता गया वो राइफल के कंपटीशन में है डीफल्पिक्स में ही है दोनों के दोनों और उसके बाद इंडियन की जो बैडमिंटन टीम है वो भी गोल्ड मेडल जीती है जापान को हराने के बाद तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और आपको जान के हैरानी हो जाएगी मतलब ये अल्टीमेट एक चीज है जो मैं आपको इस इसके इस साथ एसोसिएट हूँ इस पूरे डी ओलिम्पिक्स में जो विनर रहा है ना वो विनर रहा है यूक्रेन सोचो जिस कंडी जिस कंट्री के ऊपर इतनी प्रॉब्लम चल रही हो वहां के आधे शहर जो हैं वो तबाह हो चुके हों और यूक्रेन जो है वो, वो उन्नीस गोल्ड के साथ इस चार्ट के अंदर नंबर वन पोजीशन पे है। ये ये हौसला है, कहते हैं ना हौसला जो है ना वो इतना बुलंद होना चाहिए यहाँ पे बात आप जिसकी कर रहे हो धानु श्रीकांत की ये ही इज एसोसिएटेड विद दी शूटिंग ठीक है शूटिंग के साथ ये संबंधित है शूटिंग जैसे मैंने आपको दो नाम बताए एक आप श्रीकांत लर्न कर लीजिए और दूसरा आपका सौर्य सैनी ठीक है गोल्ड ओलंपिक्स यहाँ पे धानु श्रीकांत और सौर्य सैनी करके और जैसे मैंने आपको बताया यूक्रेन याद रखिए यूक्रेन लीडिंग है चार्ट में 19 गोल्ड के साथ 6 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल के साथ अकॉर्डिंग टू दी एनुअल रिपोर्ट ऑन वाइटल स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ऑन 2020, ठीक है 2020 की बात हो रही है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट Which UT has the highest sex ratio? रिपोर्ट, हालांकि आपको पता है ना ये वाला कौन सा साल चल रहा है 2022 चल रहा है 2021 का आपका जो नया सेंसस है वो आना है लेकिन सेंसस एकदम से नहीं आता साल शुरू होते ही नहीं आता है आपका सेंसस जो है वो 2024 तक आएगा मतलब 23 2023 के आखिरी तक या 2024 के शुरुआत में इस टाइम पे कहीं पे भी आपका सेंसस जो है वो आ सकता है सेंसस की जो जनगणना है वो 21 के बाद शुरू हो गई होगी क्योंकि हम सेंसस बोलते हैं कि 2021 तक का डाटा है ठीक है तो दिसंबर 30 2021 के बाद जनगणना शुरू हो गई है पूरे भारत की जो है है वो निकाली जा रही है। क्योंकि भारत में इतने सारे लोग हैं आपका इतना बड़ा एरिया है स्टेट यूटी छोटे छोटे सिटीज गांव इनको कवर करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है सो ऑन दिस कॉन्ट्री दो तीन साल लग जाएंगे 2024 तक हो सकता है आपके पास पूरा डाटा आएगा मीन जो आपके कुछ आती हैं, हैं, उसके हिसाब से जो बोल रहे हैं, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट। उसमें आपका ये लद्दाख करके याद रखें सेक्स रेशियो लद्दाख का यूनियन टेरिटरी लद्दाख का सोचिए आप एक हजार एक सौ चार है कितना सेक्स रेशियो एक हजार एक सौ चार और ये हमेशा कितनों पे होता है हजार पुरुषों पर यानी कि फीमेल्स आर देयर ओवर दी थाउजेंड मेल्स तो लद्दाख में जो सेक्स रेशियो है वो काफी अच्छा है यहाँ पे उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश अंडमान निकोबार त्रिपुरा केरला लोएस्ट इसमें मणिपुर का है मणिपुर इसमें सबसे कम पे आई है तो ये आपका हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है मतलब ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट किया जाता है और हर साल इसका एक डाटा निकल के आता है ठीक है तो आपको लद्दाख करके याद रखिए लद्दाख की कैपिटल क्या है अच्छा लद्दाख के अंदर आपके टोटल दो ही तो डिस्ट्रिक्ट है ना और लेह जो है वो आपकी कैपिटल बोली जाती है ना तो लद्दाख का सेंसल के हिसाब से टॉप फाइव स्टेट्स की अगर हम बात करें तो लद्दाख वन वन जीरो फोर के साथ नंबर वन पे अरुणाचल प्रदेश अंडमान एंड निकोबार आइलैंड नाइन एट फोर त्रिपुरा केरला बॉटम फाइव अच्छा इसमें यूटी और स्टेट आपके मिक्स है, तो अट्ठाईस प्लस 28 छत्तीस कर दिया उसके बाद ये डाटा निकल गया है बॉटम फाइव स्टेट में आपके मणिपुर दादरा एंड दादर एंड एं नागर हवेली एंड दमन दू अब मिल गए हैं ये गुजरात हरियाणा मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का यहाँ पे मतलब बॉटम से शुरू करें तो मणिपुर सबसे ऊपर हो गया उसके बाद स्टेट्स में गुजरात और हरियाणा तो ये आपका किसके द्वारा जारी किया जाता है या आप याद रखिएगा ये आपका सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट है ठीक है इसको किसी और रिपोर्ट के साथ मिक्स कर टीम टाइटल किस टीम ने पैंतीसवीं स्पेनिश लीग खिताब जो है वो जीती है रियल मैड्रिड बार्सिलोना एटली टिको और वेलेंसिया थर्टी फिफ्थ स्पेनिश पी मैंने आपको क्या बोला पी जो है ना वो आपका ऐप आप के ऊपर अपडेट हो रहा है जितने भी आपके पीडीएफ हैं वो सारे के सारे आपके ऐप आप पे अपडेट हो जाएंगे लेखपाल ये कहाँ का है ये सैलेश कौन सी स्टेट के लिए बात कर रहे हो <laughs> लद्दाख देखिए लद्दाख आप मैं आपको बता रही हूँ ना ये डाटा तो फिर भी बहुत छोटा डाटा है आप आठ दस साल बाद लद्दाख की सिचुएशन देखना अगर सारी कोई अब चीन की और किसी भी कंट्री की इतनी हिम्मत है नहीं कि भारत पे हमला जो एकदम वन टू वन फ्रंट अटैक होता है वो करते ऐसा कभी होगा नहीं लद्दाख दुनिया के मोस्ट मतलब दुनिया के हाँ दुनिया के मोस्ट डेवलपमेंट हिल, हिली एरियाज में से काउंट किया जाएगा लद्दाख एक तरीके से आपका कोल्ड डेजर्ट की तरह ही है पूरा का पूरा रेगिस्तान है या जैसे कहते हैं ना कि स्नो डेजर्ट के नाम से जाना जाता है तो पूरा पहाड़ और रेत लेकिन लद्दाख बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो जाएगा आगे के कुछ यहाँ पे टाइम में ठीक है चलिए विच टीम हैज वन थर्टी फिफ्थ स्पेनिश लीग टाइटल किस टीम ने अरे थर... आपको ऐप आप पे जा इतना नहीं टेंशन नहीं करो वहाँ पे ऐप पे जाके आप जो है ना वो आराम से मिलेगा इनफैक्ट आपको वहां पे क्विज वगैरह जो है वो भी अपडेट हो जाते हैं तो वो भी आप देख लिया करो है ना टेलीग्राम पे अपडेट्स के लिए रखेंगे थोड़ा सा क्लियर करेंगे टेलीग्राम पे क्लास अपडेट एक्स्ट्रा जो भी कुछ होगा अपडेट करने के लिए वो मैं आपको कर दूंगी छोटे छोटे वीडियोज जो आएंगे उनकी अपडेट कर दूंगी लेकिन इस वाली क्लास के लिए करंट अफेयर्स के लिए बाकी के लिए ना आप ऐप पे जाओ कोई टेंशन नहीं है ठीक है विच स्टेट हैव वन थर्टी फिफ्थ स्पेनिश लीग टाइटल किस टीम ने पैंतीसवां स्पेनिश लीग खिताब जो है वो जीता है तो आपको क्या याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए रियल मैट्रेड याद रखिए ये सारे आपको पता है ना ये सारे के सारे फुटबॉल लीग्स बोले जाते हैं जैसे आपने ये बार्सिलोना सबसे फेमस इसमें बार्सिलोना ही है ये फ्रांस स्पेन इस वाले एरिया में आपका ये जो है वो खेला जाता है या ये पहले क्लब्स बनाए जाते हैं अपने अपने क्लब्स हैं इन इन क्लब्स में कोई कोई प्लेयर्स जो हैं वो आपके शामिल हो जाते हैं जिसमें आपके कई सारे डाटा निकल के हैं थर्टी फिफ्थ स्पेनिश था ये पहली बात तो याद रखिए रियल मेड्रिड ने हराया किसको है यहाँ पे एस्पेनॉल एस्पेनॉल को यहाँ पे ना हरा दिया है उसके अलावा रॉड्रीगो इनको दो बार इन्होंने इसके लिए जो है ना वो डबल गोल भी किया है उसके लिए सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं हाउ मेनी इंडियन अमेरिकन टेक्नोक्रेट्स हैव बीन ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप फाइव टॉप फिफ्टी आई टी लीडर्स ऑफ द ईयर दो हजार बाईस बताइए दो हजार बाईस के पचास आई टी जो निकाले गए हैं कि भाई दुनिया में फिफ्टी आई टी लीडर्स हैं जो रूल कर रहे हैं और इंडियन अमेरिकन की बात हो रही है तो कौन से दो ऐसे आई टी लीडर हैं जो इंडियन अमेरिकन है और फिफ्टी की लिस्ट में ना टॉप पेयर हैं इंडियन अमेरिकन है मतलब उनका सब कुछ रहना ना सारा अमेरिका का है ये स्टेट स्कूप ये वाला जो अवार्ड है ना ये आपको आपका ये याद रखे स्टेट स्कूप फिफ्टी स्टेट स्कूप फिफ्टी ऐसे करके एक अवार्ड है जो जारी किया जाता है जो आईटी अवार्ड ही है यहाँ पे इसमें आपके दो इंडियन अमेरिकन हैं एक टेक्सास से हैं कृष्ण कुमार एडियल और जॉर्जिया से निखिल देश पांडे पढ़े हैं आप ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो आपको याद रखने हैं भारत से तो यहाँ पे दो लोग जो आपको नजर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट आफ्टर तो पहले आपके आपके जो है ना ये कृष्ण कुमार एडियाल और जॉर्जिया में निखिल देश पांडे ये भारत से सबसे ज्यादा कुशल और प्रभावी आई जो है ना उनकी लिस्ट में इनको शामिल किया गया है ठीक है विच इंस्टीट्यूट हैज टाइड अप विद इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आई जो है ना ये कौन सा आपका आई एम डी आई एम डी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ कौन सा आई आई टी या आई आई एस सी जो है वो अभी टाइप किया है अच्छा देखो आपको ये वाले तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं वाई इंडिया इज गेटिंग हीटिंग हीटेड अप भारत जो है वो इतना गर्म क्यों हो रहा है जैसे एक आइडियली जब भी आप निकलते हो बाहर आप यही स्टेटमेंट दिए होगे ना अप्रैल के महीने में जब भी आप बाहर निकले होगे एक ही स्टेटमेंट आपने दिया होगा कि अप्रैल के महीने में ये जून वाली गर्मी क्यों हो रही है दिस इज ऑल ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एक रीजन इसका ग्लोबल वार्मिंग है ही है दूसरा जो वेदर कंडीशन हैं जो एल और और लालिनो की वजह से जो क्रिएट किए गए हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ों की तरह आपकी आ रही है तो अभी इंडिया का वेदर जो है वो कंप्लीटली चेंज हो गया इसी में आपकी इसी वजह से ना इन्फ्लेशन जो है ना वो भी आई है जैसे आपको ये पता ही है कि इन्फ्लेशन जो है वो रिजल्ट किए यहाँ पे जैसे नींबू का प्राइस जो है वो सडनली बूस्ट अप कर गया अब तो फिर भी थोड़ा सा डाउन हो गया चालीस रुपए के एक पाव मिलने लगे नींबू के अभी नहीं मिले मिलने लगे ना जनरली यही रेट होता है चालीस पचास या बीस रुपये पाओ ऐसा करके ना तो उस रेट पे आ गया ना नींबू क्यों एकदम से शूट अप किया था उसको आप इन्फ्लेशन बोलते हो नींबू का रेट सडनली बढ़ना यह आपके इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल है ध्यान नहीं दिए होंगे है ना नींबू का रेट अगर बढ़ता है तो घर में बोलो इन्फ्लेशन आ गई है मतलब इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब आपके पास किसी भी चीज की आ, सप्लाई तो है लेकिन उसका रेट जो है ना वो बहुत ही ज्यादा है तो एक तो ये दूसरा चीज ये कि अभी जो ये वेदर का चेंज हो रहा है उसकी वजह से उसी ये मेन रीजन है यहाँ पे वन ऑफ द मेन रीजन इज दिस ओनली कि आईआईटी बॉम्बे जो है वो स्मार्ट सिस्टम या स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम ड्रोन बेस्ड स्मार्ट टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इन सारी चीजों पर आई एम डी का यहाँ पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का साथ देने वाला है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलके ये चेक करने वाली है कि जैसे अभी आपको देखो फसलों का भी टाइम चल रहा है यहाँ पे है ना फसलें जो है वो आपकी ग्रो की जा रही हैं उगाई जाएंगी अब उसी कंडीशन में अगर वेदर सिस्टम समझ नहीं आया ना तो सारी की सारी फसल जो है वो नुकसान हो जाएगी तो आप ये याद रखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करके याद रखिए आई इसने आईआईटी बॉम्बे के साथ जो है ना वो आपका टाइप यहाँ पे किया है ठीक है आईआईटी बॉम्बे करके याद रख ले इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो ये पूरा का पूरा कोलैबोरेशन करके विच डे इज ऑब्जर्वड एज कोल माइनर्स डे किस दिन को कोयला खनिज दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है मतलब दिस इज नॉट समथिंग जो कि आपकी मनाने वाली चीज तो नहीं है ना लेकिन हाँ ऑब्जर्व किया जाता है बहुत ही पुराना अजय आपको पता है ना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपका आज़ादी तो खैर बहुत ही नाइन्टीज़ की भी बात नहीं कर रहे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपका अठारह से इस्टैब्लिश है एटीन फाइव से आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ना वो इस्टेब्लिश है कोल माइनिंग डे जो है वो कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है कोल माइनिंग डे Uh, ये पूरे अच्छा ये जब हम बोल रहे हैं ना आपका मई चार को ऑब्जर्व किया जाता है तो दिस इज़ नॉट ओनली ऑन दी इंडियन बेसिस है ना ये आपके वर्ल्ड बेसिस है कोल माइनिंग जो आपका है ये वर्ल्ड बेसिस ऑब्जर्व किया जाता है चार मई को 1575 में पहली बार स्कॉटलैंड के अंदर 1575 में पहली बार स्कॉटलैंड के अंदर जो है ना ये को, कोल माइनिंग जो फैक्ट्री है या कह सकते हैं कि एक सेटअप किया गया था 1575 में जॉर्ज ब्रुस के द्वारा उसी के बाद से ये कोल जो है माइनिंग हो रही है भारत के अंदर कोल माइनिंग जो है वो 1774 में 1774 में अंग्रेजों के द्वारा वेस्ट बंगाल के रानीगंज में शुरू किया गया था तो वेस्ट बंगाल कहा जाता है ना कि अंग्रेजों को इतना तो समझ आ ही गया था कि पूरी भारत में अगर कोई एक सबसे प्रोडक्टिव जगह है ना तो वो वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल में खेती वेस्ट बंगाल में माइनिंग तो रानीगंज कोल फील्ड जो है वो भारत के वेस्ट बंगाल के अंदर से अंग्रेजों के द्वारा सत्रह में पहली बार जो फील्ड है वहाँ पे ऑब्जर्व किया था आज की डेट में अगर हम नंबर के हिसाब से बात करेंगे तो 26 कोल माइंस जो है ना वो भारत के अंदर लोकेटेड अगर मैं नंबर के वाइज से बात करूंगी जोन के हिसाब से बात नहीं करें कैटेगरीज हमने चार कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है जिस जगह से जिस तरीके का कोल निकलता है उस जगह को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मीन वाइड आपकी जो कोल जो मिनिस्ट्री है उसको एक बार मिनिस्ट्री ऑफ कोल इसको बोला जाता है पूरा का पूरा जहाँ पे हर दिन आपका एक डाटा अपडेट होता है तो यहाँ पे श्री प्रहला प्रहलाद जोशी जो है वो याद रखिएगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर के मिनिस्टर है ठीक है आपकी हर दिन इस डाटा इस मिनिस्ट्री ऑफ कोल की अगर आप साइट पे जाओगे तो आपको वहां पे मेजर स्टैटिस्टिक्स, जब भी, भी क्लिक करोगे ना ये सेकंड वाला मेजर स्टैटिस्टिक क्लोज आ, क्लिक करोगे तो आपको कोल का जो प्रोडक्शन भारत के अंदर हो रहा है उसका एक डाटा मिल जाएगा जैसे 2020 तक भारत ने जो कोल प्रोडक्शन है वो 729 मेट्रिक टन में किया था उसी तरीके से आपको पूरा आ, मेजर स्टैटिस्टिक पे ये डाटा जो है वो मिल जाता है उसी मैप इसी साइट के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कोल की साइट के ऊपर आपको ये मैप भी नजर आता है जहां पे भारत की जो कैटेगरीज हैं उनको लेके आपकी जो 26 कोल माइंस हैं उनका जो मेंशन है वो किया गया अब इसी मैप को जरा हम जूम करके देखेंगे अच्छे से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसमें आपने चार कैटेगरीज जो है वो डिफाइन कर दी हैं कोयले की आपकी अलग अलग ओरस होते हैं एंथ्राइट पीट लिग्नाइट है ना कोल के अलग अलग चार कैटेगरीज हैं जिसमें कार्बन की कंटेंट कितनी ज्यादा है उसके हिसाब से हम उसको डिफाइन करते हैं एंथ्रेसाइट बिटेमिनस लिग्नाइट और पीट मैंने आपको ये सीक्वेंस बताया था आप ए बी एल पी करके लर्न करो पीट जो है वो सबसे अच्छा सबसे मतलब अच्छा कोयला नहीं होता है कार्बन की कंटेंट बहुत ही कम होती है तो पीट जो है ना वो आपका सबसे खराब कोयला बोला जाता है और एंथ्रसाइट जो है वो सबसे अच्छा कोयला बोला जाता है तो आपकी जो ये कैटेगरीज है ना ये आपकी डिफाइन की है जिसमें कैटेगरी वन जो है ना ये आपकी एंथ्रसाइट के लिए है झारिया ईस्ट बोकारो रानीगंज जो पहली फील्ड माइन पहला फील्ड भी है भारत का और नॉर्थ करनापुरी तो ऐसे करके ना जब हम इस जोन की बोले तो आपको याद रखना है कि कोयला भारत के इस जोन से निकलता है जो मैंने माफ मा किया ये जोन कौन सा है वेस्ट बंगाल बिहार झारखंड थोड़ा सा छत्तीसगढ़ थोड़ा सा मध्य प्रदेश उड़ीसा आंध्र प्रदेश ये वाले जो, जो जोन है ना यहाँ से कोयला आपका निकाला जा रहा है और मध्य प्रदेश आप याद रखिए जिन खदानों से कोयला निकलता है ना उन्हीं खदानों से हीरा भी निकलता है है ना तो एमपी जो है पन्ना एमपी का जो डिस्ट्रिक्ट है वो हीरा निकालने के लिए फेमस है इन्हीं एरिया से ना आपका कोयला भी निकाला जाता है तो ओवरऑल अगर आपको लिस्ट पे पूछा जाए कि आपके पास टोटल कैटेगरीज कितनी है तो आप चार कैटेगरीज लिखिए पहली बात दूसरी अभी अपडेटेड मैं बता रही हूं कि 26 नंबर वाइज आपकी जो कोल माइन्स हैं वो आपकी सिचुएटेड है पहली कोल माइन जो है वो रानीगंज है और आज भी भारत के अंदर अगर कोयला प्रोडक्शन की बात होती है तो झारखंड और ज्यादा निकलता है ना मतलब जो प्रोडक्टिव वाला जो सबसे ज्यादा निकलता है वो ब्यूटीमिनस निकलता है राजमहल सोनागार और साउथ करनापुरा डिस्ट्रिक्ट से जो निकलता है ठीक है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु बीन अपॉइंटेड एज दी न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको मेट वाई के नाम से जाना जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे चुना गया है एक बार रिफ्रेश क्या हो गया आ गया ना अभी आ गया ना एक बार रिफ्रेश कर लो अभी आ गया इस क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है बस इसका एक बार आंसर बता दो तो। क्या हो रहा है चलिए अभी तो आ रहा है ना यहाँ पे चलिए अलकेश कुमार करके लर्न कर लीजिए आप अलकेश कुमार शर्मा ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेट वाई के नए सचिव के रूप में आपके नियुक्त किए गए अलकेश कुमार शर्मा ये आपके 5 मई 2022 यानी कि कल ही की तारीख से आपके इनको आ, इन्होंने अपनी ज्वाइनिंग की है आप ऐसे बोल सकते हो आई ऑफिसर हैं उन्नीस बैच के केरला कैडर के ठीक है तो आपका इसके अलावा ये जो है ना सीएमडी भी रह चुके हैं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के अच्छा उसके अलावा एक अपॉइंटमेंट की और भी बात कर लेते हैं अर्चना गुलाटी ठीक है अर्चना, अर्चना गुलाटी आपकी न्यू पॉलिसी हेड बनी है गूगल की तो अल्फाबेट इंक्स करके आता है गूगल का इन्होंने भारत से अर्चना गोलाटी को न्यू पब्लिक पॉलिसी हेड इंडिया के लिए आपका यहाँ पे लेके आई है शी प्रीवियसली वर्क एट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फेडरल थिंक टैंक तो आपका नीति आयोग में भी ये काम कर चुकी हैं। उसके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए ठीक है तो एक बार आप याद रख लीजिए कि भाई आपकी जो ऐप आप है ना उसको आप डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि आपकी जो पीडीएफ हैं सारी की सारी वो एक ही जगह आपको क्लब होके मिल जाएंगी क्योंकि कई सारे बच्चे जो है ना वो ऐप ही डाउनलोड किए हैं उनको टेलीग्राम नहीं मिलता है तो एटलीस्ट ऐप जो है ना वो एक आपका पॉइंट रह जाएगा जहाँ पे आप चीज़ें एक एक मेन पॉइंट हो जाएगा जहाँ पे आप चीज़ें जो है ना वो सारी की सारी एक जगह पे देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है थीके? तो आप एक बार ओटीएस अड्डा ऐप डाउनलोड कर लीजिए लिंक जो दिया है ना आप उससे डाउनलोड करिए आपका आराम से डाउनलोड हो जाएगा कोई इशू नहीं है आप अपने टाइप करते हो ना तो आपको थोड़ी दिक्कत आती है और अगर आप टाइप भी करते हो तो टाइप इन दिस फॉर्मेट ओनली ओ टी एस ए कैपिटल डी डी ए जो है वो आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना होगा तो आप या तो गैप दे देते हो या सब कुछ कैपिटल कर देते हो या सब कुछ स्मॉल कर देते हो इसलिए आपको मिलती नहीं है आप यही टाइप करो तो आपको जो है ना वो एप भी मिल जाएगी इस पर आपकी सी एच एस एल के फोर्टी साथ साथ, ट्वेंटी और भी मॉक टेस्ट जो है ना वो आपके इंक्लूड कर दिए गए हैं तो जो लोग भी सी एच एस एल की तैयारी कर रहे हैं और उनका बाईस चौबीस से पेपर है तो अब आप लोग के लिए वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं है और अगर आपके मॉक टेस्ट और भी मिल जाए तो अगले पंद्रह दिन के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करिए हर दिन जो है वो दो से तीन मॉक टेस्ट अगर आप कर सकते हैं वैसे तो दो मोर देन सफिशेंट होते हैं एक दिन के लिए अगर आप एनालिसिस भी करते हो अगर आप दो से ज़्यादा भी कर सकते हो तो आराम से कर दो आज छः बजे साइंस की क्लास है ठीक है शाम की आपकी क्लास है साइंस वाली एंड थ्योरी वाली जो रहेगी ना वो भी मैं आपको कराऊंगी तो आज आपकी दोनों क्लासेस रहेंगी मतलब तो सात बजे वाली क्लास काफी टाइम से नहीं हो रही थी लेकिन आज रहेगी मैं एक शॉर्ट वीडियोस भी कर दे रही हूँ आपका साइंस का उसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि सात बजे की साढ़े सात की क्लास है ठीक है चलिए मैं आपको मिलती हूँ शाम को छः बजे पीडीएफ आप ले लीजिएगा ऐप पे जाके आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी तो ऐप तो आप डाउनलोड कर ही लो ना कई सारे मेरे स्पेशल टेस्ट जो है ना वो भी ऐप पे आएंगे सात मई वाला जो टेस्ट है वो भी ऐप पे आने वाला है तो सात मई को यानी कि कल आपका एक टेस्ट जो है ना आज क्या तारीख है आज अभी छह है ना हाँ कल सात मई से आपका ए, आज फ्राइडे हो गया ना कल सैटरडे तो सात मई पे आपका एक टेस्ट आएगा जो कि दस बजे आता है और आठ मई तक रहेगा लाइव दस बजे तक तो आप उसको पूरे टेस्ट को कंफर्म करो उसको दो और अपनी रैंक देखो वो आपके लिए बहुत जरूरी है ठीक है वो आपको ऐप ऐपी मिलेगा काफी सारे मैं क्वेश्चंस भी आगे अपडेट कराऊंगी जैसे अभी नेक्स्ट जो है वो आपकी 500 क्वेश्चन की एक सीरीज आने वाली है